आज वही एक्सियल पॉइंट हुआ, तो उसके बाद क्या करना है, इक्वेटोरियल पढ़ना है हमें। कहां पढ़ना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, किससे, डाइपोल से। डन, तो क्लास 12th में शुरुआत करते हैं आपकी, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत छोटा डेरिवेशन है, बहुत छोटा डेरिवेशन, ठीक है ना, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। चलो कैसे निकालें भैया, पहले तो डाइपोल बना लेते हैं जी। आपकी कौन है, माइनस क्यू, और जे कौन है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। बीच की दूरी जे तुम्हारी ए, तो जे भी कितनी, ए, क्योंकि टू ए होती है डाइपोल के बीच की दूरी। अब आते हैं कहां पर निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट निकालना है। इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे निकालना है। चलिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट बना लेता हूं। चलो बन गया। हमें यहां पर किसी भी एक पॉइंट, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बिल्कुल। यानी कि यहां से जे दूरी कितनी होगी, यहां पर अब जे दूरी आर होगी, क्योंकि दूरी कहां से नापते हैं, हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से, ठीक है ना। जे 90 डिग्री का एंगल बना, तो यहां से और जे दूरी कितनी हुई, जे दूरी कितनी हुई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यदि मैं बात करूं इस दूरी की, तो जे दूरी भी कितनी हुई, अंडर रूट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करें, पोटेंशियल निकालें, वही काम, इस ए पॉइंट बनाएं और इसे हम कौन सा पॉइंट बनाएं, बी पॉइंट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल बाय नेगेटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है पता है आपने, मैं लिख देता हूं वी वन इक्वल टू माइनस के क्यू, मास क्यों लगाया, क्योंकि मास चार्ज है, और आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू आर बन गया इक्वेशन नंबर वन। यदि हम बात करें दूसरे की पॉजिटिव से, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल y प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट p कितना होगा, v2 इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है तो कितना होगा, पॉजिटिव का k q अपॉन, और दूरी कितनी है, सेम दूरी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। डन, यदि हम कहें वी नेट, वी नेट इक्वल टू डार्क है, डार्क है, वी वन प्लस वी टू दोनों को ऐड कर दो, तो वी वन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन और टू से क्या करने हैं, पुट वैल्यू, पुट वैल्यू, वैल्यू पुट करें कहां से, इक्वेशन नंबर वन और टू से। इक्वेशन वन कितनी है, इक्वेशन वन है वी वन इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन टू की है वी टू कितना है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा देखना क्या दिख रहा है यार, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्या आ रहा है, कट्टा कट्टा। तो वी नेट इक्वल टू कितना, जीरो, वी नेट कितना निकला, जीरो। अब मैं इससे आपको बनाता हूँ एक हीरो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनना क्या होगा, क्वेश्चन एक नंबर का आता है कंप्यूटर एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आता है, किसी चार्ज को इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इस पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट पर ए पॉइंट से बी, यानी कि यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट से मैं कहूं एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को, क्यू पॉइंट से, क्यू पॉइंट नहीं है इसको मैं के पॉइंट मानता हूं, ठीक है ना, के, के भी नहीं मानता, एल मानता हूं, एल, एल, ठीक है ना, एल फॉर लाइन, L पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, आपका कंप्यूटर एग्जाम में आता है, क्या आता है, व्हाट इज अ वर्क डन इन, वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल से, किसी डाइपोल से इक्वेटोरियल पॉइंट पर A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किसके फॉर्म में होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में, जब पोटेंशियल जीरो निकला तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, ध्यान रखना, यानी कि डाइपोल से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक, कहीं तक भी ले जाओ यार, कोई भी चार्ज आप ले जाओगे तो काम कितना पड़ेगा, जीरो वर्क होगा, वर्क डन कितना होगा, जीरो, उस चीज का ध्यान रखना,
ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि वर्क डन एट आ वर्क डन एट वर्क डन ड्यू टू लिख देंगे वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। दोबारा सुनना, क्या वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। डन, याद आ गया। चलो भाई डेरिवेशन आपका हो गया, और कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा क्योंकि पोटेंशियल जीरो तो वर्क डन जीरो। ये मैंने लाइन बोली, पक्का एग्जाम में आती है, ध्यान रखना, इसलिए याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।